नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रिडिक्शन वजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ आयरलैंड और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाली T20 सीरीज के पहले मैच की प्रिडिक्शन के बारे में, जो भारतीय समय अनुसार रात को 8:30 बजे से स्टार्ट होगा। दोस्तों यह मैच 18 जुलाई 2022 को बेलफास्ट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम स्टेडियम, पिच रिपोर्ट, वेदर, हेड टू हेड और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से इन दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे। साथ ही में दोस्तों मैं मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन भी आपको बताऊंगा और एक फैंटेसी टीम भी आपको दूंगा। दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बारे में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं आयरलैंड के बारे में। इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम एंड्रू बेलब्रेनी, पॉल स्टर्लिंग, गैरेथ डालनी, हैरी ट्रैक्टर, लॉर्ड कंटेक्नर इनके बैट्समैन, जॉर्ज डेकरेल, मार्क अदिर इनके ऑलराउंडर प्लेयर, एंडी मार्क वेन, किरिंग यंग, जोशुआ लिटिल, कॉनर ओल्टपोर्ट इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफ़ी मजबूत स्थिति में है। बात करते हैं दोस्तों इनके अपोनेंट टीम न्यूजीलैंड के बारे में। दोस्तों इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम मार्टिन गुप्टिल, फिन एलन, मार्क शॉपमैन, डेरियल मिशेल, जेम्स निशाम इनके बैट्समैन, मिशेल सेटनर, मिशेल ब्रेसवेल इनके ऑलराउंडर प्लेयर, जैक पेडर्फी, ब्लेयर थिकनर, लोकी फर्गसन इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफ़ी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में टोटल ओवरऑल ओनली एक ही मैच खेला गया है, जिसको दोस्तों न्यूजीलैंड ने जीता था। और दोस्तों आयरलैंड का 115 रन का हाईएस्ट स्कोर है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जबकि न्यूजीलैंड का 198 रन का हाईएस्ट स्कोर है आयरलैंड के खिलाफ। दोस्तों आयरलैंड अपने खेले गए लास्ट 5 T20 मैचों में से 2 मैचों में ये जीत करा रहे हैं, जबकि 3 मैचों में ये हार करा रहे हैं। और दोस्तों न्यूजीलैंड अपने खेले गए लास्ट 5 T20 मैचों में से 1 मैच में जीत करा रहे हैं, जबकि यार 4 मैचों में ये भी हार करा रहे हैं। दोस्तों यह मैच बेलफास्ट स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि यार यहाँ पर बाद में खेलने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर अभी तक टोटल ओवरऑल 18 मैच खेले गए, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 6 मैचों में जीत दर्ज किया, जबकि यार बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ पर 12 मैच जीते हैं और एक भी मैच टाई नहीं हुआ। दोस्तों का एवरेज स्कोर 114 रन का है, जबकि यहाँ का हाईएस्ट स्कोर 190 रन पर 5 विकेट का है, और यार यहाँ का लोएस्ट स्कोर 43 रन पर 10 विकेट का है। दोस्तों यहाँ का स्कोर पैटर्न है 150 के नीचे 14 बार, 150 से 169 के बीच में 2 बार, 170 से 189 के बीच में 1 बार, और यार 190 प्लस भी यहाँ पर 1 बार स्कोर गया है। और दोस्तों यहाँ पर फास्ट बॉलरों को अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, इसलिए दोस्तों आपकी फैंटेसी टीम में आप फास्ट बॉलर ज़्यादा रखना। और दोस्तों आप लोकी फर्गसन को भी कप्तान बना सकते हो या दोस्तों उप कप्तान भी बना सकते हो। और यार आप मेरे से फैंटेसी टीम लेना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर मैं आपको ठोस होने के बाद में प्रत्येक मैच की फैंटेसी टीम देता हूँ। और दोस्तों कभी हमारी मैच प्रिडिक्शन चेंज करनी पड़ती है तो दोस्तों हम टेलीग्राम चैनल पर ही बताते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों बात करते हैं मैच प्रिडिक्शन के बारे में। दोस्तों आपको पता है यार इन दोनों टीमों के बीच में भी हाल ही में ODI सीरीज बहुत जबरदस्त तरीके से हुई थी, लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए गूगल की प्रिडिक्शन के बारे में तो दोस्तों गूगल की प्रिडिक्शन के अनुसार 55% इस मैच को न्यूजीलैंड जीत सकती है, जबकि 45% इस मैच को आयरलैंड जीत सकती है। लेकिन अगर बात की जाए मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन के बारे में तो दोस्तों मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन के अनुसार इस मैच को न्यूजीलैंड ही जीत सकती है। दोस्तों आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना। बाकी आपको पता है यार क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। साथ में दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों हम आपसे मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।